जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम फाइनली हो चुका है। Hey guys, good morning and welcome back to my channel. अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 11:30। आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहा हूँ, सुबह उठते ही काम में बैठ गया था। ऐसे तो आज वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। मैं मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ और थोड़ी बहुत टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। खैर वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते रहना। और आज का मेरा सबसे पहले एजेंडा ये था कि मैं जाके बाल और दाढ़ी कटवा लूँगा। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के ऊपर हो चुका है मुझे, तो मुझे आज ग्रूमिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अभी श्रावण ख़त्म हो चुका है, तो सबसे पहला मेरा आज का यही टास्क था, पर वो अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले होता जा रहा है क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब अभी आधे घंटे पहले तक बारिश नहीं थी, पर अभी बारिश होना चालू हो चुकी है, तो मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ कि अगर 5-10 मिनट में रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही चला जाऊँगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आज जीजा जी का बर्थडे भी था, तो उनको भी ज़रा विश कर दिया है अभी अच्छे से। कल रात को मैंने कॉल किया था तो वो कॉल पिक नहीं किए, सो गए थे, तो अभी मैंने कॉल किया, उनको विश कर लिया। उनको भी बाल कटवा के आ चुका हूँ यार, लेकिन इतनी ज़ोर की बारिश आ गई थी, मैं तो साइड में लगा दिया था। और वहाँ पर कोई शूट करने के लिए मिला नहीं क्योंकि मैं बाल कटवा रहा था और सब पैक थे, किसी को बोल भी नहीं पाया कि भाई थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले, तो वो शूट भी नहीं किया मैंने। तो अभी तो मैं बस नहा लेता हूँ। और जो अभी हफ्ते भर पहले जो मैं सरप्राइज़ प्लान कर रहा था 10 दिन पहले, वो अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है उसके रेफरेंस के लिए मैं आई बटन में वो डाल भी दूंगा वो वीडियो। तो आज वो सरप्राइज़ भी हमने रिवील कर दिया है, उसका रिएक्शन वीडियो अगर थोड़ी देर में मेरे पास आ जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, देन आप लोग के साथ भी ज़रा शेयर करूँगा। अभी मैं कौन से सरप्राइज़ के लिए लगा हुआ था, क्या मेरी प्रिपरेशन थी और हमने क्या लिया है, ये सब देखने के लिए जाना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में, एंड रिवाइंड करके पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। फाइनली जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम फाइनली हो चुका है। ये हमने ले लिया iPad Pro 11 inch 128 GB, ये कहीं मिल नहीं रहा था, फाइनली ये मिल गया। अब ये किसको देना है वो आपको कल के ब्लॉग में बताना था। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है रक्षाबंधन, काफी लोग कल भी मना रहे हैं, बट हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं रक्षाबंधन को। और आज फाइनली ऑफिस की छुट्टी है, इतना अच्छा लग रहा है सोच के ही। और तो मैं तो आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ रक्षाबंधन, बट यश जो है वहाँ पे अपनी कजिन्स के साथ कल सेलिब्रेट करने वाला है। खैर उनका तो डबल सेलिब्रेशन है क्योंकि आज राहुल जिया जी का बर्थडे भी है और फिर कल रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट होने वाला है, तो उसका तो डबल सेलिब्रेशन हो गया, तो उसका तो फुल ऑन एंजॉय चलने वाला है अभी ये वीकेंड। सो फाइनली आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ ब्लॉग में रेगुलर ऑफिस के अलावा, क्योंकि रोज का यही होता है कि ऑफिस जाना है, ऑफिस से आ रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ और फिर बस ऑफिस ही चलता रहता है पूरे पूरे दिन। तो आज कुछ तो अलग दिखने वाला है कि चलो रक्षाबंधन है, छुट्टी है, तो वो सारी चीजें भी शूट करने वाली हूँ। सो एक्चुअली आयुष परसों जब रेस्टोरेंट से घर आ रहा था रात को, तो कार का टायर फट गया, तो अभी उस काम से ही वो नीचे उतरा है कार के टायर बनवाने के लिए। तो पर वो जैसे ही नीचे उतरा इतनी तेज बारिश होने लग गई, तो अभी उसको बस मैंने मतलब अम्ब्रेला रख दिया है लिफ्ट में और वो फिर नीचे ग्राउंड बेसमेंट में ले लेगा अपने आप से। तो अभी मैं लगी हुई थी माइक लैम्प के असिस्टेंट के साथ, क्योंकि कल जैसे यश ने व्लॉग में मेंशन किया था कि हमने लिपस्टिक ऑर्डर की थी और हमें कुछ और ही पार्सल रिसीव हो गया है माइक लैम्प से, तो मैं कल से लगी हुई हूँ। बट दिक्कत एक ये हो गई थी ना कि कल मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डिलीवरी पार्टनर कब तक आएगा आपका रिटर्न लेने के लिए वो पार्सल। वेदर एकदम कूल हो चुका है और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मतलब अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस यहाँ पे ही बैठे रहने दो।
तो मम्मी के काम से थोड़ा नीचे चली गई थी, तो उसके बाद आके 15-20 मिनट के लिए सो गई थी। ज्यादा नींद हुई नहीं है, 15-20 मिनट की नींद हुई, पर क्विक नैप जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है। और आज काम बहुत ज्यादा है क्योंकि राखी फेस्टिवल है, सो राखी भी इस बार थोड़ी लेट है क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से 8:30 बजे के बाद ही हम राखी बांध सकते हैं, उसके पहले नहीं बांध सकते हैं। और कल का दिन जो है वो पूरा शुद्ध है, मतलब कल के दिन हम पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकते हैं, बट कल किसी के भी ऑफिस की छुट्टी नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा लेट ही सही बट आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो आज राखी का फेस्टिवल है तो घर में बना है आलू की सब्जी, यहाँ पे मम्मी पूरी निकाल रही है, ये खीर है, और फिर यहाँ पे सॉरी ये तो दूध है, इसमें शायद से टमाटर और मिर्ची की चटनी है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, और ये रहा चूरमा। फेस्टिवल वाले दिन इतना सब कुछ बनता है, और यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल भी, इनको सबसे पहले राखी बांधते हैं हम, बाद में बाकी सारे भाइयों को राखी बांधते हैं। अभी मैं लगती हूँ रेडी होने के लिए, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ, तब तक आप सब यश के साथ बने रहिए। तो ये वॉलेट मंगवाया था पापा के लिए अभी, तो वो आज डिलीवर हो चुका है। परसों पापा का वॉलेट चोरी हो गया था तो हम लोग ने नया वॉलेट ऑर्डर कर दिया है, तो अभी इसको अनबॉक्स करता हूँ, देखता हूँ अभी कैसा है। मंगाया तो मैंने पीटर इंग्लैंड का था, तो क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, बट ओरिजिनल पीटर इंग्लैंड है या नहीं है या क्वालिटी कैसी है वो चेक कर लेते हैं इसको ओपन करके। दिख तो ये अच्छा ही रहा है, अभी इसके अंदर देखते हैं। ये कैसा बांधा है यार, इधर अंदर से निकला है ये, एंड देन पूरा बॉक्स के साथ टाइड अप है, कुछ फर्स्ट टाइम ही देखा है ऐसा तो मैंने। क्वालिटी तो काफी अच्छी है, देखते हैं पापा को पसंद आता है या नहीं आता है, आ जाएगा, वैसे तो बेसिक सा वॉलेट है तो आ ही जाएगा। अभी ये सब वाइंड अप कर देता हूँ, नहीं तो मम्मी आके मेरी क्लास लगा देगी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ राखी सेलिब्रेशन के लिए, आयुष को बस अभी राखी बांधने बैठ जाऊंगी, उसके बाद दो और भाई है मेरे, उनको भी राखी बांधने के लिए जाना है, बट शायद ही मैं वो क्लिप कैप्चर कर पाऊंगी इस वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करते जाइए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करते जाइए। थैंक यू सो मच।